सोमवार से 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के, 12 पारंपरिक निजी क्षेत्रों के, 6 विदेशी बैंकों के और 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने मिलकर लगभग 10 लाख से भी अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारी वर्तमान सरकार की बैंक निजीकरण की गलत नीति के विरोध में 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर है। यह हड़ताल प्रमुखता से वर्तमान सरकार द्वारा बजट के दौरान IDBI और अन्य 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण की घोषणा के विरोध में की गई। बता दें कि इन सभी बैंकों द्वारा लगभग ₹150 लाख करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया जाता है, जो कि कुल बैंकिंग व्यवसाय की 70% हिस्सा है। कोरोना की जागतिक विपदा के कारण धरना, निर्देशन, घोषणाएं, सभा बैठकें, यह सभी हड़ताल के लिए जरूरी कार्यशैली संभव नहीं है। फिर भी इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर हड़ताल पर जाने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारी ने अपने ग्राहकों से उनके निवास पर या उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर प्रत्यक्ष समूह भेंट कर हड़ताल की भूमिका को समझाया। इसके अलावा आमदार, खासदार, जिला पंचायत सदस्य, महापौर, नगर सेवक, विभिन्न स्थानिक दलों के पदाधिकारी, सरकारी, गैर सरकारी, निजी एवं स्वयंसेवी समूह, संगठन इत्यादि वर्ग के हर नागरिक को भी प्रत्यक्ष भेंट देकर अपनी भूमिका स्पष्ट की गई। इस हड़ताल में महाराष्ट्र के 10,000 से भी अधिक बैंक शाखाओं में कार्यरत 50,000 से भी कई अधिक संख्या में कर्मचारी और अधिकारी सम्मिलित हुए। इनसे संबंधित बैंकों द्वारा कुल ₹30 लाख करोड़ से भी अधिक का व्यवसाय किया जाता है। इस हड़ताल का प्रारंभ जिन शाखाओं में समाशोधन का कार्य किया जाता है उन शाखाओं से किया गया। इन सभी शाखाओं द्वारा सुबह 6 बजे से मंगलवार रात 12 बजे तक अपना कामकाज पूर्णतः बंद रखने की जानकारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के मेंबर स्वयं प्रकाश तिवारी ने दी। मैं स्वयं प्रकाश तिवारी, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, इसका मेंबर, ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज एसोसिएशन का अध्यक्ष, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज एसोसिएशन का महासचिव एवं ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज एसोसिएशन का काउंसिल मेंबर। मैं नागपुर इकाई की ओर से आपको ये बताना चाहूँगा कि सारे देश में आज 15 और 16 मार्च को यह हड़ताल की गई। यह हड़ताल का मुख्य उद्देश्य था निजीकरण का विरोध। हम निजीकरण को विरोध क्यों कर रहे हैं? निजीकरण 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण ढांचा करने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य था बैंकों को बड़े उद्योगपतियों के चुंगल से उठाना, छोटे छोटे लोगों को इसमें समावेश करना और उसकी देश की प्रगति करना। जब यह निर्णय लिया गया तब यह देश का सबसे बड़ा निर्णय था। इस हड़ताल में सफाई कर्मचारी से शाखा प्रबंधक तक के सभी पदों पर कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों ने भाग लिया। इन सभी कर्मचारियों की समर्थ सक्रियता के बलबूते पर यह हड़ताल 100% सफल रहेगी, ऐसा विश्वास यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन एवं महाराष्ट्र राज्य की इकाइयों के स्वयं प्रकाश तिवारी द्वारा व्यक्त किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BC News, नागपुर।